हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ओला वाटर शीट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के कंप्लीट चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला हिसाब के साथ। पहला हिसाब देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने एक बुक ले लिया है। पहला हिसाब क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। चलिए हम इसको हल करते हैं। मैं इसको सिंपली लिख लेता हूँ, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, यही है ना। तो इस हिसाब को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर आपको बुक होगा तो आपके बुक में देखिए यहाँ इसके पीछे एक चार्ट बना होगा, इसको आप याद कर लीजिए तभी आपको हिसाब बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ऐसा। सबसे पहले दोस्तों साइन 60, साइन 60 का दोस्तों मान होता है √3/2 होता है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है ये दोनों के आपस में सटा हुआ है, तो ये आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो इसको हम गुना दे देंगे। अब कॉस 30 का अमाउंट दोस्तों होता है √3/2। फिर प्लस और प्लस देंगे साइन 30, साइन 30 का अमाउंट होता है 1/2। फिर ये दोनों के आपस में सटा हुआ है, जब सटा हुआ है तो उसको क्या देंगे, गुना देंगे। तो गुना दे दोस्तों, फिर कॉस 60, कॉस 60 का अमाउंट दोस्तों होता है 1/2 होता है। अब दोस्तों देखिए, इतना समझ में आ गया आपको। अब फिर क्या करेंगे देखिए, अब देखिए √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। अब 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस, अब 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4। अब देखिए, जब इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 तरह का लघुत्तम 4 होगा। अब देखिए, जब नीचे ये दोनों सेम रहता है तो ऊपर जुट जाता है, तो 3 + 1 जोड़ दीजिए आप, 3 × 1 = 4 और नीचे 4, तो 4 × 1 हो गया आंसर दोस्तों। इसका आंसर 1 हो गया, ठीक दोस्तों। ये पहला सवाल था, हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ हम आप बुक लेके बैठ जाइए। तो मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ, 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आपको मान याद है तो ये आपके लिए हिसाब बिल्कुल मक्खन जैसा। तो दोस्तों हम बनाते हैं इसको 2, ठीक है। ये दोनों सटा हुआ है तो क्या गुना देंगे। अब देखिए, 10 / 45 का मान दोस्तों 1 होता है, तो 1 होगा। अब देखिए, 10² है, स्क्वायर है तो हम इस पर स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब प्लस प्लस दे दिए, फिर cos 30 का मान वापस वही √3/2 देंगे, फिर इस पर भी स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, फिर माइनस। अब sin 60 का दोस्तों मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। फिर इस पर भी स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। अब देखिए, 2 गुना, अब देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 गुना 1 = 2 हो गया। अब प्लस, अब देखिए √3/2 दोनों पर पावर 2 है, तो हम दोनों को गुना करेंगे। अगर √3 को 2 बार गुना करें √3 × √3 दोस्तों कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि ये √√ आपस में कट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 हो जाएगा और 2 का 2 = 4 हो जाएगा। फिर माइनस, उसी तरह ये भी 3 और 2 का 4। अब देखिए दोस्तों, ये +3/4, ये -3/4 दोस्तों, ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, बचा क्या 2, इसका दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। दोस्तों तीसरा सवाल थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, पर मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा और समझिएगा आप, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा सवाल दोस्तों मैं लेता हूँ। तीसरा सवाल देख सकते हैं, यहाँ है cos 45 / sec 30 और प्लस cosec 30, ये सवाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। तो मैं किताब को साइड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। cos 45 का दोस्तों मान होता है 1/√2 मान होता है, ठीक है। अब sec 30 का दोस्तों मान होता है, ठीक है, sec किसका उल्टा दोस्तों होता है, cos का उल्टा sec होता है। cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का किसका हो जाएगा, 2/√3। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरा ये ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा त्रिकोणमिति का, तो मेरे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ को एक त्रिकोणमिति का ट्रिक वाला वीडियो मिलेगा, वो देख लीजिए, तभी आपको मान है इतना सब आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिलहाल चलते हैं। तो sec 30 का मान 2/√3, फिर प्लस है। अब देखिए, cosec 30 का मान कितना होगा, cosec 30 का मान होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन का उल्टा है। अब देखिए, अब इसको वापस से क्या करेंगे, देखिए यहाँ ना ये तो कुछ एक है ना। अब देखिए, अब फिर करिए, एक 1/√2, इसको 1/√2 वापस लिख देंगे हम, ठीक है। फिर बटे। अब देखिए, √3 और 1 का हम दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या √3 ही आएगा, तो √3 लिख दिया। अब देखिए, √3 में √3 भाग दें एक बार में, एक गुना दो 2, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस दे दिए, अब 1 में √3 भाग दें √3 = 2, यानी कि 2√3 हो गया। आए इसमें दोस्तों, फिर दोस्तों इसको लिखिए। अब देखिए, 1/√2 अब बटे दोस्तों, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि 1 2 1 2 2 है, तो 1 कॉमन ले लें, 1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 + √3 बचेगा, और नीचे √3 है भैया। अब देखिए, हम पलटने वाला नियम करेंगे। अब देखिए, 1/√2 है, 1/√2, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, गुना दे दिए, इसको पलटना है हमें, एक साथ बोले तो करने करेंगे। अब √3 को ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो √3 को ऊपर भेज दीजिए, अब बटे 2 × 1 + √3 कर दिए, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये समझ गए आप, 1/√2 इसको हम ऊपर भेज दिए और इसको नीचे कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऊपर ऊपर गुणा कीजिए, 1/√3 √3 हो जाएगा, आसान है। अब देखिए इसको अगर गुणा करेंगे तो √2 × 2 तो क्या जाएगा दोस्तों, 2√2 हो जाएगा और ये 1+√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या कहते हैं ना, ऊपर नीचे गुणा, अगर ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करिए √3/√2। अब देखिए यहाँ 1+√3 है, अगर ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस में है तो ऊपर माइनस गुना होगा, तो 1-√3/1-√3। ठीक है दोस्तों, अब गुना कर दीजिए, √3 × 1 कितना हो जाएगा, √3 × 1 दोस्तों √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब √3 × √3 3 हो जाएगा, अब गुना कर दीजिए। अब देखिए अब 2√2 × 1 कीजिएगा, इसको इतना करेंगे तो कितना, इतना ही होगा 2√2, 1+√3 माइनस 2। तो दोस्तों इसको गुना कीजिए, 2√2 × 1 2√2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है 1+√3 और 1-√3, इसको आप एक सूत्र जानते हैं आप, एक सूत्र होता है a²-b² से, नोट कर दीजिए आप, इसका सूत्र होता है a+b (a-b), हम यहाँ वही सूत्र लगाने वाला। अब देखिए 2√2 लिख दिए, अब देखिए 1+√3 √3, इसको हम लिख सकते हैं a²-b² क्योंकि इसी के फॉर्म में है ना, देखिए a+b (a-b) है ना, इसको हम लिख सकते हैं, तो a²-b² तो एक बदले में क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं थोड़ा उसको काट देता हूँ, गलती हो गया था, तो √3 − 3/√2। अब देखिए a² यानी कि 1 का स्क्वायर दे दूँ मैं, −√3 का स्क्वायर, वैसे तो दोस्तों मैंने लगाए। ठीक है, अब देखिए मैं वापस इसको पलटाता हूँ, अब देखिए √3 − 3 है दोस्तों। ठीक है, अब बटे 2√2 इधर है ही, फिर मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ क्या है तो दिख रहा होगा बढ़िया से, यहाँ का दोस्तों 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 1 − 3 कितना हो जाएगा, मैं करता हूँ, देखिए 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस, ओके मैं बताता हूँ 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया, 1 हो गया, फिर माइनस है, माइनस दे दिए हैं, देखिए माइनस है यहाँ। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मैंने यहाँ दे दिया। अब देखिए फिर ऊपर वही लिखिए √3 − 3/√2। अब देखिए दोस्तों 1 में 3 घटाएंगे तो कितना, -2 होगा, यानी कि -2 होता है। अब देखिए √3 − 3, अब ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो -2 × 2 − 4√2 ऐसे में दोस्तों। अब देखिए यहाँ तो √2 हमारा हुआ, इसको ना करनी मार दीजिए आप, √3 − 3 है −4√2। अब √2 को ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, करिए ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, अब गुना कर दीजिए, अगर √2 × √3 कितना हो जाएगा दोस्तों, √6 हो जाएगा, माइनस अब 3 × √2 √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए आप −4, ये 4 का 4 रहेगा, अब √2 × √2 कितना, 2 होगा, अब 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ −8 है, हमारा आंसर होगा, मैं इसको ना एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर माइनस कॉमन लीजिए, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3√2, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, अब ये इधर भी माइनस कॉमन ले लीजिए, 8 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज समझ में, हम चलते हैं चौथे हिसाब की ओर। दोस्तों चौथा हिसाब ये बहुत ईजी है, इस चैप्टर में थोड़ा ये वाला बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, और तो इधर सब हल्का ही है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा नंबर सवाल लेता हूँ, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल दिया हुआ है, अब बटे है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब हम इस सवाल को हल करेंगे दोस्तों, मैंने बताया मान होगा तभी आप, अगर इसका मान याद है तो बनना आसान है, बिल्कुल आसान है। sin 30 का मान 1/2, सिर्फ मान बैठाना है और कुछ है नहीं इसमें। 10 का मान 1, फिर माइनस cosec 60 का मान दोस्तों कितना होता है, cosec 60, sin 60 √3/2, तो cosec 60 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बटे है तो बटे दे दिए, अब देखिए sec 30 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, sec 30 का मान दोस्तों 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर cos 60 का मान 1/2, फिर cot 45 का मान 1 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर भी लघुत्तम लेंगे और नीचे भी लघुत्तम लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लघुत्तम लेंगे हम, ये देखिए नहीं तो कुछ एक है इसके बटे में, मैं इसको ऐसे भिन्न के रूप में कर देता हूँ अच्छा लगे। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए आप इन दोनों का, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा ना। अब देखिए अब 2 से 2 से भाग करेंगे कितना दोस्तों हो जाएगा, √3 होगा, फिर प्लस है प्लस देंगे। ठीक है, फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 ही हो जाएगा,
और फिर रूट थ्री, रूट थ्री ख़त्म, तो दो दूनी चार हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब नीचे वाले का लघुत्तम लीजिए, इसका अभी 200 लघुत्तम हो जाएगा, टू रूट थ्री आएगा, ठीक है। फिर रूट थ्री को रूट थ्री से भाग दिया, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, प्लस टू को टू ख़त्म, तो रूट थ्री नंबर रूट थ्री, ठीक है दोस्तों। अब प्लस टू रूट थ्री हो जाएगा, तो दोस्तों ये दोनों कट जाएगा आपस में। अब नीचे क्या बचेगा, रूट थ्री टू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, अब माइनस फोर, नीचे क्या बैठा, एक रूट थ्री, टू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री प्लस चार। अब वापस वही नियम जो यहाँ किए थे ना हम, इस प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो थ्री रूट थ्री माइनस चार बटे थ्री रूट थ्री माइनस चार। अब देखिए ये क्या है, वापस स्क्वायर हो जाएगा, थ्री रूट थ्री माइनस चार का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों होगा दोस्तों, ये भी सेम है ये भी सेम, यानी कि दो हो गया, तो हम दो स्क्वायर दे दें, ठीक है। अब देखिए ये हम वही सूत्र मैंने बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र, आपको क्या होता है ए प्लस बी, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ये यूज होता है, ठीक है। तो वही देखिए ए प्लस बी ए इंटू बी, देखिए इसको ए मानिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो वही सूत्र लगा दीजिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बदले में क्या है, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, अब माइनस बी के बदले में क्या है, चार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको आप गुना करेंगे तो थ्री रूट कितना होगा, तीन का नौ, तीन सत्ताईस, यानी कि सत्ताईस हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों, सत्ताईस हो जाएगा, अब माइनस सत्ताईस हो गया, नहीं नहीं इसको ना ऐसे कीजिए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, ऐसे होगा, इसको ए मानिए, इसको भी ए माइनस बी का होल कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस चार का होल स्क्वायर माइनस टू गुना थ्री रूट थ्री गुना चार। तो दोस्तों ऊपर वाला आपने देख लिया, ठीक है दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये सूत्र बैठाया है, आप सब जानते हैं ये बेसिक सातवां क्लास का है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है, वही मैंने सूत्र यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर, ठीक, अब बी स्क्वायर बदले में चार का स्क्वायर दिया, अब माइनस टू ए भी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नीचे वाला करेंगे, नीचे वाला सिंपल है, थ्री थ्री का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तीन तीन नौ और नौ सत्ताईस, सत्ताईस हो जाएगा, माइनस से माइनस देंगे, चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ थ्री रूट थ्री का स्क्वायर है, तो तीन तीन नौ अति सत्ताईस हो जाएगा, सत्ताईस और चार का स्क्वायर सोलह होगा, ठीक है। अब देखिए चार दुनी आठ, आठ तीन चौबीस, यानी कि माइनस चौबीस रूट थ्री हो गया, अब सत्ताईस में सोलह गया ग्यारह, ठीक है। अब जोड़ दीजिए इसको, सत्ताईस सोलह कितना हो जाएगा, तैंतालीस, तैंतालीस माइनस चौबीस रूट थ्री बटे ग्यारह, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप दोस्तों इसको कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट करते रहिए अपने फेयर में, क्योंकि ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पाँचवा क्वेश्चन मेरा देख लेता हूँ, मुझे पाँचवा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पाँचवा क्वेश्चन, यहाँ पाँचवा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों बुक में, पाँचवा क्वेश्चन आपका है फाइव कॉस स्क्वायर साठ डिग्री प्लस चार सेक स्क्वायर तीस डिग्री, चार सेक तीस डिग्री माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री बटे साइन स्क्वायर तीस डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर तीस डिग्री, ठीक है दोस्तों। वही करेंगे, सिर्फ मान बैठाइए आप, पाँच गुना कॉस साठ का मान एक बटे टू होता है, तो उसको स्क्वायर देंगे, फिर प्लस चार सैंतीस का मान दोस्तों कितना होता है, आप सबको पता होगा, सैंतीस का मान गुना देंगे पहले, टू बटे रूट थ्री होता है, और स्क्वायर दे दिए, ठीक है दोस्तों। वापस से टेन पैंतालीस का मान कितना होता है, एक होता है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है, उसको बटा कर दो, फिर सैंतीस, सैंतीस का मान कितना होता है, एक बटे टू होता है, लेकिन स्क्वायर, तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। कॉस तीस, कॉस तीस का मान कितना होता है, कॉस तीस का मान कितना होता है भाई, कॉस तीस, कॉस तीस ही है ना, हाँ कॉस तीस, कॉस तीस का दोस्तों मान होता है रूट थ्री बटे टू, अब स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब पाँच गुना, अब एक का स्क्वायर एक और दो का चार, तो पाँच गुना एक बटे चार हो गया, फिर प्लस चार गुना, अब दो का स्क्वायर करेंगे चार होगा, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट थ्री को दो बार गुना करेंगे तो तीन होगा, फिर माइनस, अब एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, बटा कर दीजिए। अब देखिए एक, एक और दो का स्क्वायर चार होगा, फिर प्लस रूट थ्री का, रूट थ्री को दो बार गुना करेंगे तीन होगा, दो का चार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सिंपल दोस्तों आप गुना करिए, पाँच गुना एक बटे चार, पाँच बटे चार हो गया, प्लस चार गुना चार सोलह, सोलह बटे तीन, तीन ही है ना, हाँ तीन है, माइनस एक है, फिर इसको क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, हाँ मैंने आपको बताया था ये चार चार अगर नीचे सेम हो ना, अगर नीचे उसका अंश हर वाला सेम हो तो ऊपर जुट जाता, देखिए यहाँ चार तो ऊपर जुट जाएगा, यानी एक तीन चार हो जाएगा, चार एक तीन चार हो जाएगा, नीचे भी चार, चार चार एक, यानी कि एक खत्म हो गया, ये इसका हटाइए दीजिए इसका मान, ठीक है। अब इसी का ले लीजिए आप, एक है
तो चार तीन एक का लघुत्तम लेंगे कितना होगा दोस्तों, चार तीन का लघुत्तम 12 ही होगा, और चार तिया 12 यानी कि तीन हो गया, तीन पचास 15 प्लस, अब तीन से 12 में भाग देंगे चार, चार 16 64 माइनस एक में 12 से भाग दीजिए 12, 12 उन्हें 12। अब इसको सिंपल आप जोड़ घटा जो है कर दीजिए, तो 64 15 दोस्तों कितना हो गया, तो 64 15 में दोस्तों जोड़ता हूँ, 64 15 पाँच 4 9 6 7 79 हो गया दोस्तों, 79 हो गया। अब 79 में 12 घटा दीजिए, 9 दो गया 7, 7 में गया 6 यानी कि 67, यानी दोस्तों आपका आंसर जो होगा 67/12। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हो गया है, ये मतलब जो ऑब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन था वो तो हो गया। अब जैसे आपका जो क्वेश्चन बचा है सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि ये दोस्तों बहुत पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लेगा आपका, ये दे देगा बोलेगा इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, ये दे देगा ये कौन सा आंसर। दोस्तों ये जो है ना आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसमें सिंपलीफाई करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सिंपलीफाई करने करके बताने वाला हूँ, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा। तो दूसरा का पहला सवाल क्या है, दूसरा का पहला क्या है, 2 10 30 क्या दोस्तों, 2 10 30 बटे 1 10 square 30 यही है ना दोस्तों, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब देखिए इसमें सिंपली कुछ नहीं, मान बैठाइए इसे 2 × 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, फिर प्लस 1 प्लस, अब 10 30 का मान दोस्तों कितना होता है, 1/√3 होता है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे सिंपल से। अब देखिए 2 × 1 तो 2 अब बटे √3 हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, अगर √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब देखिए 2/√3, अब देखिए ये तो लघुत्तम होगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, 3 लघुत्तम, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए आप 2/√3, मैंने आपको बताया था एक नियम, ये जो है ना ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कटाइए, 2 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, तो गुना कीजिए कितना होगा दोस्तों, 3/3 हो जाएगा। अभी वापस करेंगे वही करनी, √3 है तो ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, हो गया। अब 3 √3 अब बटे, अब देखिए √3 कितना 3 होगा, अब 3 × 6 हो जाएगा। अब कटाइए इसको, 3 × 6 यानी कि कितना निकला दोस्तों, √3/2 निकला ना। अब देखिए इसमें √3 2 किसका होता है, sin 60 cos 60 tan 60 किसका होता है, आप जल्दी सोच के बताइए हमें किसका होता है दोस्तों, साइन से। तो हम जानते हैं कि साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो इसका साइन 60 इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सवाल वैसे ही उसको हम करेंगे, दूसरा सवाल मैं आपको इधर बताता हूँ, दूसरा सवाल है ना, दूसरा है हमारा, दूसरा कह रहा है 1 − 10² 45° बटे 1 + 10² 45°। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी दोस्तों नहीं है, तो राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, मैथ है जो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिंपल वही कीजिए आप, 1 − 10² 45 का मान कितना 1 है, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे सिंपल सी बात है, अब बटे 1 + 10 45 का मान 1, अब स्क्वायर स्क्वायर देंगे, देखिए 1 ये बहुत छोटा है, अगर एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा 1 − 1, फिर 1 + 1 का स्क्वायर 1, अब देखिए 1 में 1 गया 0/2, 0/2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पता है आपको, अगर 0 में किसी को भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 0 किसके बराबर है, यानी कि अपरिभाषित होगा, क्या दोस्तों होगा इसका आंसर होगा, वो अपरिभाषित होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर दोस्तों इसका दोस्तों आंसर होगा वो होगा आपका 0 हो जाएगा, 0 ही होगा ना, हाँ 0 2, हाँ 0 यानी डी नंबर का आंसर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 0 मार्क 0 होगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए सवाल, तीसरा सवाल ऐसा ही है, साइन टू ए क्या दोस्तों, साइन टू ए बराबर क्या दिया दोस्तों, 2 sin a, क्या दिया है, 2 sin a, कह रहा है तब सत्य होता है जबकि a बराबर, मतलब ये साइन टू ए बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a किसके बराबर होगा, हम देखते हैं दोस्तों इसमें एक फंडा है, क्या फंडा है, साइन 2a बराबर क्या है दोस्तों, 2 sin a है। देखिए इस साइन 2a बराबर एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, साइन 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, आप इसको लिख लीजिए, अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, साइन 2a जो बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए सूत्र होता है, इस सूत्र को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वही सूत्र हम लगाएंगे, इसका सूत्र ये बदल में हो गया, अब 2 sin a, अब देखिए 2 sin a कट गया, अब इधर क्या बचा, कॉस ए, अब इधर नहीं तो कुछ एक ही बचा ना कटा, तो अब देखिए कॉस ए, अच्छा हमें एक किसको लिख सकते हैं, कॉस 0 का मान 1 होता है, आपको पता होगा, देखिए कॉस कॉस खत्म, तो ए बराबर 0 निकल गया, ए बराबर दोस्तों 0 हमारा आंसर हो गया, यानी कि अब देखिए कौन सा आंसर होगा, आप खुद देख सकते हैं, ए नंबर 0 होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इसका 0 आंसर हो जाएगा, समझ गया। अब देखिए चौथा सवाल दोस्तों वैसा ही है, मैंने कहा ना ये हिसाब कितने विद्यार्थी क्या करते, इसको रट लेते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, रटना नहीं है, इसको समझ के बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा नंबर है,
टू टेन 30 डिग्री बटे वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वही मान बैठाइए, सिर्फ टू टेन 30 का मान 1/√3 बटे वन माइनस, अब टेन 30 का मान कितना 1/√3, अब यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, वही टू गुना एक तो 2/√3 हो जाएगा, होगा ना, 2 गुना 2/√3। अब देखिए 1 माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा ना। अब √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1/3। अब इसको वापस से लघुत्तम लीजिए आप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/√3 अब बटे, अब देखिए 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 ही होगा, 3 गुना 1 3 3 - 1 2/√3। मैंने आपको बताया था इसको ऊपर भेजे, ऐसा अगर कंडीशन आए तो इसको ऊपर भेजेगा और इसको नीचे करेगा। ठीक है, तो गुना कीजिए आप, तो इसको ऊपर भेजिए और इसको नीचे, 3 ऊपर भेजे 3 में 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 कटा दीजिए, कितना बचा हमारा 3/√3, तो 3/√3। अब क्या करेंगे, वही करनी, इसको ऊपर से वापस वही गुना कर दो जैसे मैंने यहाँ किया था ना पीछे वाले वीडियो में, आप बैक करके देख लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ किया था ना ऐसे √2 वाला, √2 बचा था तो √2 गुना कर, वैसे मैं यहाँ करने वाला हूँ, तो √3। अब देखिए 3 √3 3 √3 और √3 √3 3 खत्म, कितना बचा √3। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ √3 बचा, हमारा क्या बचा √3। अब देखिए √3 किसका मान होता है, cos 60 का मान √3 होता है क्या, नहीं होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का होता है क्या, नहीं होता है, tan 60 का होता है, tan 60 का मान दोस्तों हमारा होता है कितना होता है, वो √3 होता है, तो मेरा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपको दोस्तों तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है मीबी, आप इसको टिक कर लीजिए, अच्छे से समझिएगा, मैं आपको चलिए इसको अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। ये कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का ये सब दिया, इसको छोड़िए, इसको मत छोड़िए, इस पर आप ध्यान मत, पहले जो कह रहा है सब उसको ध्यान दीजिए। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मेरा दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर 1/√3। ठीक है दोस्तों, सॉरी √3 दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी बराबर √3 को मैं tan 60 लिख सकता हूँ, ये मान होता है। अब देखिए tan खत्म, इधर क्या बचा a प्लस बी बराबर इधर 60 होता है दोस्तों, ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी तरह दूसरा दोस्तों कह रहा है, आप देख सकते हैं tan a माइनस बी, दूसरा कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, इसको भी वैसे लिखना, इधर tan है, इधर a माइनस बी है, अभी 1/√3 क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं, वही tan का बताइए, इधर क्या बचा a माइनस बी बराबर इधर 30 बचा, ये समीकरण सेकंड है दोस्तों। इसको हम बनाएंगे समीकरण के विधि से। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला समीकरण क्या है, a प्लस बी 60, दूसरा a माइनस बी 30, अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, ये सब लिख लीजिएगा आप, मैं इसको लिख सकता हूँ, इधर लिखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर, और a माइनस बी बराबर कितना दोस्तों 30 है, तो इसको जोड़ दीजिए आप, तो a माइनस बी बराबर कितना है 30 है। ठीक है, दोनों को जोड़िए, एक बात ध्यान है जब समीकरण हम जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है दोस्तों, इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा और a a क्या है 2a हो जाएगा, जुट जाएगा और 37 90 हो जाएगा। अब कटाइए, 200 को कटाएंगे तो 45 बन गया, यानी कि a का मान कितना निकाल गया 45। अब a का मान 45, अब होशियार निकाल लेंगे समीकरण, तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या हमारा a प्लस बी बराबर 60, अब मैंने a का मान 45 निकाला, a का 45 यहाँ रख दीजिए, 45 प्लस बीस बी बराबर 60, अब b बराबर 60 इसको इधर फेंक दीजिए 45, तो 60 में 45 घटाएंगे तो 15। तो दोस्तों हमारा a का मान 45 निकल गया, b का मान 15 निकल गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा कह रहा है, देख रहे हैं, तो a और b का मान ज्ञात, तो मैंने a और b का मान ज्ञात कर लिया, तो ये और ये दोस्तों ये सब क्या है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये सब इसे पूछा नहीं है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आपको बता दिया। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 8.2 का क्लियर कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, अगली वीडियो में 8.3 का कंप्लीट करूँगा। थैंक यू दोस्तों।